बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज मैं आपको एग पराठा, अंडा पराठा बनाना सिखा रही हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी पराठे बनेंगे। इसके लिए हमने आटा लिया है और मैदा लिया है, एक एक कप जितना, यानी ये हाफ के जी बन गया ये। और एक चम्मच नमक का, एक चम्मच चीनी का और नीम गर्म पानी से इसको गूंथ लेंगे। आधा कप आपने मेल्टेड घी डालना है इसमें। तो इस तरह का आटा गूंद के सख्त जो है वो एक घंटे के लिए आपने फ्रिज में रख देना। चलिए अब नॉर्मल जिस तरह रोटी बनाते हैं, पहले इस तरह से रोटी बना लीजिए एक पतली सी लेयर में, जैसे फुलका बनाते हैं इस तरह पतली सी रोटी पहले आपने फैला लेनी है बेलन से। अब इसके ऊपर घी लगाना है। घी जो है ये मैं देसी लगा रही हूँ, आप सिंपल कोई भी घी लगा सकते हैं। पराठा बनाते वक्त ऑयल मत लगाइए इनके ऊपर, वरना आपके पराठे जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते। अब मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से घी लगा दिया है, तो इसके ऊपर साथ ही हमने थोड़ा सा खुश्का डस्ट किया है। आप आटा या मैदा किसी का भी डस्ट कर सकते हैं। अब कोई भी कटर वगैरह लेकर या छुरी लेकर इस तरह से कट्स लगाने हैं आपने पतले पतले, और लेयरिंग इनकी इनके साथ ही आपकी जो पराठे की लेयरिंग है वो बनेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी आपके पराठे इंशाल्लाह तैयार होंगे। अब एक साइड से फोल्ड करना शुरू करेंगे हम। इस तरह से आपने इनको फोल्ड करते जाना है, ये देखें इस तरह से एहतियात से आपने इनको फोल्ड करना है। आप ये पेड़े बना के इनको आप फ्रीज भी कर सकते हैं। अब एक साइड से आपने इनको रोल करना शुरू करना है, ये देखें इस तरह से मैं इनको फोल्ड कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने इनको फोल्ड करके और जो किनारे हैं वो नीचे की तरफ करके ऊपर से प्रेस कर देना है हल्के हाथों से। चलें ये पेड़ा बन गया हमारा, इसी तरह से बाकी पेड़े भी बना लेंगे। अब एक पेड़ा जो है इसको हम बेल लेते हैं पहले। आराम से आपने इसको बेलना है, बहुत सख्ती से नहीं बेलना, नरम हाथों से बेलना है ताकि इसकी जो लेयरिंग है वो टूटे ना, और जब आप पराठा बनाएं तो क्रिस्पी पराठा बने आपका। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलते इसको, दरमियाना जितना भी आपको चाहिए ये आटा पराठा उस तरह से आप इसको बेल लीजिएगा। ये देखें इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। चलिए ये हमारा पराठा बेहतरीन सा बेल गया। बाकी भी इस तरह से ये देखें सारे मैंने पेड़े बना लिए हैं। तो आप इनको फ्रीज करने के लिए ये देखें इस तरह के जिप लॉक बैग ले लीजिए, और तमाम पेड़े जो होते हैं इनको आप बना के आप एक हफ्ते के लिए फ्रिज में और एक महीने के लिए आसानी से फ्रीज़र में रख सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ये देखें इस तरह से जिप लॉक बैग में आपने इनको वन बाई वन इस तरह से पेड़ों को रख लेना है। जब भी आपने इनके पराठे बनाने हों तो आप इनको थोड़ी देर के लिए निकाल के रूम टेम्परेचर पर रख लीजिएगा या फ्रिज में रख लीजिएगा रात में, और सुबह सैरी के वक्त इनको आप इनके पराठे बना सकते हैं। ये देखें इस तरह जिप लॉक में आपने इनको फ्रीज कर लेना है या फ्रिज में रख लेना है। चलिए ये अब तवा हमारा जो है हल्का सा गर्म कर लिया है हमने स्लो फ्लेम पे, तो अब हम इसके ऊपर पराठा डालेंगे। पराठा जितना भी स्लो फ्लेम पे पकता है उतना ही क्रिस्पी और क्रंची आपका, और इसकी लेयर्स भी जो हैं वो खुल के आती हैं। तो आप सिंपल पराठा बनाएं या ये अंडे वाला पराठा बनाएं, कोई भी पराठा बनाएं, आप कोशिश करें कि हल्की आंच पे इसको पकाएं, उतना ही क्रिस्पी और क्रंची आपका ये पराठा बनता है। ये देखें हल्की हल्की जो है आग पे इसको सेक लगना शुरू हुआ है, तो मैं इसको अब टर्न करूँगी दूसरी साइड पर। घी जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून इतना जाता है इस पराठे में। एक चम्मच जो है इसकी हमने अंदर जब लेयरिंग लगाई थी उस वक्त लगाया था इसके ऊपर, और अब पराठा बनाते वक्त जो है हाफ टेबल टीस्पून जो है वो एक साइड पे और हाफ टी स्पून दूसरी साइड पे लगेगा। टोटल यानी कि 2 बड़े चम्मच जितना देसी घी मैंने इस पर लगाया है। आप नॉर्मल आम जो डालडा घी होता है वो भी लगा सकते हैं। अब ये देखें एक साइड से पहले इसको क्रिस्पी कर लेना है आपने। ये देखें हमारा इस साइड से क्रिस्पी हो गया है, तो दूसरी साइड जो अभी इतनी क्रिस्पी नहीं हुई उस पर आपने अंडा डालना है। अब इसको टर्न करती हूँ मैं, ये देखें मैंने टर्न कर दिया, और अब अंडा फेंट के इसमें आप कोई भी सब्जियाँ डाल सकते हैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, नॉर्मल जो भी डालना चाहें।
तो मैं अलग से भी इंशाल्लाह आपको ये बता दूंगी कि अंडे के अंदर मज़ीद आप क्या क्या डाल सकते हैं। दो अंडे फेंट के तो उनके अंदर नमक, हल्दी, सुरख मिर्च और मैंने ये प्याज शामिल किया है, शिमला मिर्ची शामिल की है। आप 2 से 3 चीज़ें, टमाटर भी शामिल कर सकते हैं, हरी मिर्चें, धनिया, जो भी डालना चाहें। अब साइडों पे थोड़ा थोड़ा पहले घी लगाएंगे हम, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो जो अंडा है ये उसके तवे के साथ ये चिपके ना। ये देखें, अब आपने आराम से इसको पलट देना है और हल्की आंच पे इसको 2 से 3 मिनट पकने देंगे, ताकि अंडा भी इसके साथ अच्छी तरह चिपक जाए और दूसरा साथ ही ये फ्लफी भी बन जाए आपका पराठा। ऊपर से ये क्रिस्पी क्रंची पराठा और नीचे से एग के साथ आपका बहुत ही फ्लफी पराठा बनेगा, फ्लैकी पराठा बनेगा। ये देखें, हल्का हल्का मैं प्रेस कर रही हूँ, ताकि जहाँ जहाँ से अंडे की जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखें, इस तरह से हल्का हल्का आपने प्रेस करना है। तो देखें, साइड क्रिस्पी होना शुरू हो गया है और फूलना शुरू हो गया है हमारा पराठा। अब मैं जब इसको टर्न करूंगी तो आपको नजर आएगा इंशाल्लाह। देखें कितना ये फ्लफी हमारा, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ये पराठा तैयार हुआ है। तो आप भी इसको रमज़ान मुबारक में सहरी के लिए ज़रूर बनाइएगा, और बच्चों को ब्रेकफास्ट में आप बना के आम रूटीन में दे सकते हैं। टिफ़िन वगैरह में देने हो तो आप इसके रोल बना लीजिए, या इसके स्क्वेयर्स या ट्रायंगल्स काट के भी आप सर्व कर सकते हैं इसको। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये पराठा तैयार है। तो मैं इसके स्क्वेयर्स काट के इस तरह आपको दिखा रही हूँ, ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द कुक विद नूरे। आज हम आपको तंदूरी मसाला चाय बनाना सिखा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार चाय बनती है, बड़े बड़े होटलों में, ढाबों पे जाके आप पीते हैं ये दूध पत्ती तंदूरी मसाला चाय। तो क्यों ना आज इसको घर में बनाया जाए। बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी, और इतनी आपको बजट फ्रेंडली मिलेगी ये इंशाल्लाह घर में साफ़ सुथरी। लो, दूध ले लिया है हमने फुल फैट, और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। 5 से 10 मिनट इसको हल्की आंच पे उबाल आने देते हैं। जो ही ये दूध पकना शुरू हुआ है तो इसके अंदर मैंने थोड़ी सी पत्ती डाल दी है। पत्ती आप कड़क पीना चाहते हैं तो कड़क डालिएगा। मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच पत्ती के डाले हैं, 1 बादियाखताई का फूल, 2 लौंगे डालूंगी और 1 दारचीनी डालूंगी। 1 किलो दूध के अंदर 2 बड़े चम्मच पत्ती के, बादिया खताई, 1 दारचीनी का टुकड़ा और 2 लौंगे डाल दी हैं, और थोड़ा सा ये काला नमक डाल रही हूँ मैं इसमें, 1 चुटकी जितना मैंने नमक डाला है। सौंफ जाएगी इसके अंदर 1/2 चम्मच। सौंफ ज़्यादा मत डालिएगा, वरना चाय जो है वो आपकी कड़वी बन जाएगी। इसका खुशबू, इसका अरोमा, इसका फ्लेवर आना चाहिए। अब इसको पकने देंगे हम हल्की आंच पे। चाय ये जितनी कड़ कड़ के पकेगी उतनी ही मज़ेदार ये आपकी दूध पत्ती चाय बनेगी। अब ये गुड़ जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, चीनी भी शामिल कर सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं। गुड़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा। मैं तकरीबन इसमें 2 बड़े डलियाँ जो हैं वो गुड़ की डालूंगी। तकरीबन 100 ग्राम मैंने इसमें गुड़ डाला है, क्योंकि कड़क चाय जो है वो थोड़ी सी मीठी भी होती है। अब ये देखें, हल्की आंच पे हमारी चाय जो है ये तैयार हो रही है। बड़े बड़े होटलों पे या ढाबों पे जब आप जाते हैं वहाँ पे ये अक्सर देखते हैं आप, इनको इस चाय को बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है। जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे उतना ही इसका फ्लेवर, जितने मसाले डाले जाते हैं उनका आएगा। अब ये 5 मिनट हो गए हैं तकरीबन इसको पकते हुए, तो मैं इसको 5 मिनट तक इसको फेंटूंगी, ताकि अच्छी तरह से इसकी झाग बन जाए और इसके अंदर जितने मसाले हमने डाले हैं वो अच्छी तरह से इसके अंदर, मैंने इसमें 3 से 4 छोटी इलायचियाँ भी डाल दी थी जब दूध ये पकने जा रहा था, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी, लेकिन इसमें इलायचियाँ जो हैं पीस के 3 से 4 खोल के डालें, उनसे भी इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार हो जाएगा। अब ये चाय हमारी पक पक के बहुत ज़बरदस्त हो रही है। तकरीबन ये 1/2 कप जितनी कम हो गई है चाय 1 किलो दूध में से। इसमें हमने पानी वगैरह शामिल बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि दूध पत्ती कड़क जो है मसाला चाय है, ये तंदूरी चाय है, तो इसलिए इसमें पानी नहीं शामिल करना। ये गाढ़ी गाढ़ी सी चाय होती है, कड़क चाय होती है। जब भी आप बड़े मोटरवे वगैरह पे सफ़र करते हैं या हाईवेज़ पे, तो ढाबों पे रुक के अक्सर लोग जो हैं इस चाय को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब ये देखें, ये चाय बिल्कुल हमारी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है।
अब चलते हैं इसके स्पेशल और नेक्स्ट प्रोसीजर पे कि क्या करना है। अब ये चाय की कटोरियाँ इस तरह से मिट्टी की मिल जाती हैं, तो इनको आपने आग पे गरम कर लेना है, सेक लेना है अच्छी तरह से, फुल आपने इसको हाथ नहीं लगाना, किसी चिमटे या हैंडल से इसको पकड़िएगा। मैं इसको बहुत अच्छी तरह से गरम करूँगी ताकि ये सीख जाए बहुत ज़्यादा। अब ये देखें चाय इसके अंदर शामिल करते ही बबलिंग करने लग जाएगी और स्मोकी फ्लेवर इसका इसी वजह से आता है जब ये मिट्टी की इन प्यालियों में कटोरियों में डाली जाती है। बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार मलाई मार के कड़क मसाला चाय, तंदूरी चाय तैयार है। ख़ुद भी पीजिए, फैमिली को भी पिलाइए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।